कैमरा बैग ये सामान रेडी। क्या बोलती है, आज गाड़ी आ रही है 3 बजे, BMW वाले खुद घर पे आ रहे डिलीवर करने को मुंबई से, बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तू राइडर है, क्या चलाते हैं? टैंक। सर आप कैप्टन हो, क्या चलाते हो? टैंक। और यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा चला लेता हूँ। कैमरा चलाते मैं सब कुछ चलाता हूँ। गलत गलत एकदम खुशी, इतनी खुशी आज तक नहीं हुई है। ये लड़की दोनों गलत बोल रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी मेरे को तब हुई थी जब वो टैंक आई थी जो बाहर खड़ी है, और बाइक की जगह कोई नहीं ले सकता कभी भी। आज हम लोग का प्लान है आज भूसा निकलेगी बाहर, लेकिन आज पहली बार चलाने के लिए नहीं, सिर्फ बीमर के साथ फोटो के लिए निकलेगी। किस पे फोटो करवाना चाहती है, भूसा पे या BMW पे? हम बीमर पे डर जाएंगे, कहाँ भूसा खराब करेंगे। हाँ ठीक है, तुम लोग बीमर से काम चलाओ, कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा, BMW में एडजस्ट करो तुम लोग आपस में साथ में, ठीक है ना। और हम टैंक पे फोटो खिंचाएंगे। बेबू आप किस पे बैठोगे? BMW पे बैठोगे आप भी? ठीक है गुड, इसका मतलब कि टैंक पे बैक सीट लगाने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन किसी के घर में BMW डिलीवर होने वाली हो BMW वालों के साथ, वो बंदा सुबह सुबह डीमार्ट में दबा के 2 महीने की शॉपिंग करके आता है ताकि अपने पैसे बचे। और घर का ये हालत है। हेलो BMW वाले लोग घर पे आ रहे हैं तो घर अरेंज करो ना, उनको चाय कॉफी के लिए घर के अंदर तो आएंगे ना वो लोग। हाँ बच्ची को खिला दो, जरूरी काम है। हाँ क्या बोला तूने, लंच में क्या बना दूं? खिचड़ी बना दो, खिचड़ी। हाँ कुछ तो आज तो कुछ तो अलग बोल ले। अरे BMW वाले आ रहे हैं, खुद घर पे आ रहे डिलीवरी करने, अगर खाना मांग लिया तो क्या खिचड़ी खिलाओगे क्या उनको? मेरे घर में रोबोट है, ये स्टैंडर्ड डायलॉग रोज का, खिचड़ी बना दो। अच्छा रोज खिचड़ी खाते हो क्या? जा रही हूँ। पार्किंग स्पेस थोड़ा, BMW आज न्यू गाड़ी आ रही है तो उसके लिए खाली करते हैं। आई थिंक ये पार्किंग एरिया मैंने तब वॉश किया था जब मेरा दोस्त अपनी अच्छी गाड़ी लेके आया था, उसके बाद आज चूंकि ये न्यू गाड़ी आने वाली है तो वॉशिंग तो बनता है। बेबू फ्रॉग को जाने दो, कैड फ्रॉगी, लेकिन दो न्यू BMW के हिसाब से सही साफ कर दिया है ना। चलो घर पे, चलो घर पे चलो, स्लिपरी है, यू कैन प्ले बट इट्स स्लिपरी, गिर जाओगे ना। सुनिए ये मिठाई सब में बांट दीजिएगा, आज न्यू गाड़ी आने वाली है। ओके थैंक यू। ये सारी चीजें गाड़ी आते ही उसमें फिट कर देनी है। घर की सफाई कंप्लीट, हर जगह सफाई मैक्सिमम। अगर बेबू ने फिर से गंदा कर दिया तो गारंटी भी लेता। और मैंने माली के कपड़े निकाल लिए हैं और अब मैंने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए, अपना वही साइन ऑफ वाला फेवरेट जीन्स और ये एक नई ब्लैक टी शर्ट। और आई थिंक अगर इसमें मैं गॉगल लगा लूं तो शायद मैं मालिक भी लगूं। पांच बज गया, 3 से 4 के बीच में बोला था मगर अब बज गया है 5 और इंतजार और हो नहीं रहा है। चलो करते हैं कैसे भी टाइम पास। हाँ एक डर लग रहा है कि अगर इन्होंने ज्यादा लेट किया ये पूरा अंधेरा हो जाएगा, कार अभी नहीं दिखा पाऊंगा आपको, सुबह मुझे शूटिंग करनी पड़ेगी उसकी। फोन आ चुका है, यस बेबू मेन गेट से फोन आ चुका है और गाड़ी आ चुकी है। आई ना इस तरफ गाड़ी ना इस तरफ गाड़ी, चलो जिस तरफ से भी आएगी हम तो रेडी हैं, स्टैंड बाय है। आ गई गाड़ी, व्हाइट वाली गाड़ी आ रही है, उसके पीछे अपनी गाड़ी है। ये गाड़ी आ गई, हाँ हट जाओ आगे से हट जाओ बेबू। सुनो उनको स्ट्रेट करके यहाँ रखने दो, फिर तुम्हें जो नींबू वीबू फोड़ना है ना वो तुम कर लेना आगे उसके आगे। हाय वाओ चमक रही है, हाउ इट लुक्स गुड। रजिस्ट्रेशन हो गया है, टेम्परेरी नंबर आ गया है, वो है BMW इन्फिनिटी कार्स के जहीर जी जिन्होंने हमें गाड़ी दी थी।
और रंजना सिंह इस पे थोड़ा सा स्वास्थ्य बना रही है और मैं चाहता हूँ कि पेपर वर्क करूँ पहले कंप्लीट, लेकिन वो कह रही है कि इसको थोड़ा सा आगे लेके जाओ और इसको नीचे नींबू वीबू कुछ तो फोड़ना है उसको, तो वो काम करने को बोल रही है पहले। की को इधर रख दूँ? ओके, ब्रेक पे ले पैर है। सारा प्रोसीजर किया हुआ है तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस पूरे एक्सपीरियंस से। इनिशियल एक्सपीरियंस से लेकर डिलीवरी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हाँ ओके, सो रिमोट है? रिमोट है। हाँ एंटरटेनमेंट आप यूज कर सकते हैं। एक की है, हाँ ये रिमोट है और एक आपका डिस्प्ले रिमोट है। या वो तो मुझे मिल गया। या चलो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बनाया हमारा। अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने गाड़ी में जो कुछ भी था और हो गया है। अब वो लोग जा रहे हैं, गाड़ी हमारे भरोसे है, जो मर्जी वो करो। बेबू हाउ इज द कार? गुड। सो कैन वी गो लोना वाला? ओके, लेट्स गो ऑन आवर फर्स्ट ड्राइव। यहाँ पे मेरे हाथ में है ये ओनर्स मैनुअल, कार कवर, पैसेंजर के लिए बैक सीट का रिमोट है, तो ये सब चीजें तो गाड़ी में ही रखनी है। स्पेयर चाबी तो खैर चलो घर में रहेगी। कैसे खुलेगा यार मैनुअल? तो इसमें नहीं जा रही। हाँ चली गई मैनुअल। चलो बेबू, वी कट द केक फॉर आवर न्यू कार सेलिब्रेशन। यस। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और गाड़ी में एक शॉर्ट ट्रिप करते हैं और मेरे को लगता है ये ब्लॉग अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। मिलता हूँ अभी आपको मैं सीधा कल सुबह। गुड मॉर्निंग, क्या प्लान है आज का बेबू? आज पहले तो हम लेंगे कॉफी नाश्ता, फिर हम निकलेंगे लोनावाला की तरफ। आपका क्लास भी आप कर लो, अच्छी रोड पे ड्राइव का एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस। हुर्रे। न्यू गाड़ी में फास्ट टैग लगाना है। फास्ट टैग है मेरे हाथ में, एक हाथ में कैमरा, कोई टेंशन नहीं, चाबी को सिर्फ पॉकेट में रखो, डोर के पास जा और खोलो गाड़ी, अनलॉक। क्या बोलती ब्यूटी? वेलकम सेलर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं वापस से माली वाले कपड़ों में आ गया हूँ और कार की होने वाली है फर्स्ट वॉश। न्यू गाड़ी, बेबू को भी वॉश करनी है, फर्स्ट वॉश है ये हमारी। चलो याद रहेगा, बेबू इज ऑल्सो क्लीनिंग दिस कार। इस गाड़ी का एक फीचर है जिसमें कि ड्राइवर बाहर रह के रिमोट पार्किंग बोलते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी में कोई बैठा नहीं है, जैसे कि टॉय कार्स होती है रिमोट से चलती है, ये भी कुछ उसी तरीके से चलती है। पूरे ऑपरेशन में आपको एक पार्क बटन दबा के रखना रिमोट पार्किंग के लिए। इंजन को स्टार्ट किया जाएगा यहीं से, गाड़ी का इंजन चालू हो गया, गाड़ी में कोई भी नहीं है जो कि कमाल की बात है, लाइट भी चालू हो गई। अब आगे जाना है तो ये, पीछे जाना है तो ये, ऑफ कोर्स हमें पीछे जाना है, पीछे चलते हैं। और ये अपने आप ही सारा कंट्रोल कर रही है, स्टीयरिंग से लेकर ड्राइविंग तक, कोई नहीं बैठा अंदर। The parking assistant uses ultrasonic sensors to measure parking spaces on both sides of the vehicle. आज से अबाउट 12 साल पहले मैंने सिविक कार खरीदी थी, तभी भी लोगों को बहुत ज्यादा शौक लग गया था कि इस बंदे ने ऐसी कार क्यों ले ली, और सही बात है क्योंकि तब मेरे पास उस कार के लिए पार्किंग तक नहीं थी। पार्किंग के लिए मैंने वहाँ पे फिर गाला भी रेंट पे लिया, पहले तो गाड़ी खरीदी उस टाइम पे बहुत बड़ी गाड़ी थी, उसके लिए फिर पार्किंग के लिए गाला भी खरीदी। उस गाले में बहुत सारी प्रॉब्लम, चूहे हुए आते थे, गाड़ी इधर उधर ठुकती थी, उल्लासनगर जैसा कंजेस्टेड एरिया, मगर किया बट इट वॉज सक्सेसफुल क्योंकि उस गाड़ी को मैंने 12 ईयर्स यूज किया। मेरे दोस्त सेम टाइम ऑलमोस्ट 3 गाड़ियां चेंज कर चुके हैं इतने साल में और मैंने सिर्फ वो एक ही गाड़ी रखी, तो मुझे लगता है कि इट वॉज वर्थ बाइंग दैट स्लाइटली एक्सपेंसिव कार देन, और उसको लंबा यूज किया मैंने और मैं खुश भी था। फ्रॉम सेकंड ऑफिसर टू कैप्टन के रैंक तक मैं उसको बड़ी खुशी खुशी चलाता था और मैं बहुत ज्यादा
ज्यादा सेटिस्फाइड था उस कार से, मगर अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और एकदम से नींद आ चुकी थी गाड़ी की। आज की डेट में मुझे इस BMW गाड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के हिसाब से ये सोच के करना चाहता हूँ। तो फ्यूचर के हिसाब से जैसे 12 साल मैंने उसको चलाया, आई शुड बी हैप्पी विद द कार फॉर नेक्स्ट 12 इयर्स, एटलीस्ट 12 टू 15 इयर्स। क्या बोलती है? सही तो बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो ये सब सोच के मैंने ये गाड़ी वन टाइम ली है। तो इस गाड़ी के बाद मुझे लगता है मेरे पास है मेरा परमानेंट घर, मेरे पास है मेरी परमानेंट बाइक और मेरे पास होगी मेरी परमानेंट गाड़ी। मुझे कभी भी बैक ऑफ द माइंड ये नहीं लगेगा कि मुझे उसको अपग्रेड करना है। तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इतनी महंगी गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? मेरी कार में तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट दिखने में तो बहुत अच्छी दिख रही है, तो तुम्हारा जो भी चॉइस है। और कुछ साल पहले जब हम अपने दोस्त की BMW में बैठे थे, तब तुमने क्या बोला था? हाँ, तो मुझे पता था तुम ऐसी गाड़ी लोगे, तो मैं बोला BMW अच्छी है ये बोला। ओके, किसी ने कमेंट किया कि आपको फॉर्च्यूनर वगैरह लेनी चाहिए, आप ब्रांड के पीछे इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे? तो इट्स नॉट जस्ट ब्रांड यार, आप BMW चलाइए या फॉर्च्यूनर चलाइए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और लोग ये बोलते हैं कि BMW गाड़ी कभी मत चलाओ, क्योंकि अगर चला ली तो उसके बाद आपको कोई भी गाड़ी चलाने में मजा नहीं आएगा। मैंने अभी तक खुद नहीं चलाई, टेस्ट ड्राइव भी मैंने नहीं ली, दोस्त ने ली, यही सोच के कि यार तब तक कैसे काम चलेगा अपना। और कुछ लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में ये सजेस्ट किया कि आप SUV क्यों नहीं ले रहे, आपकी पर्सनैलिटी को वो सूट करती है। तो यार मैंने गाड़ी मेनली चलाने के लिए ली है, उसको एंजॉय करने के लिए ली है। सिडान गाड़ी जो जितना रोड पकड़ के स्टेडी चलती है, कोई भी SUV नहीं चलेगी, तो ये सोच के लिया हुआ है। हाँ, अगर आपको दिखाने का शौक है तो यस, SUV रोड प्रेजेंस उसका अच्छा होता है, देखने में ज्यादा बेटर दिखती है, देखने में अपनी भी बहुत बेटर दिखती है। अरे तुमको क्या मालूम, यहाँ पे BMW X3 का बात हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा डिब्बा गाड़ियों का बात नहीं हो रहा है, BMW X3 गाड़ी की बात हो रही है, कितनी अच्छी दिखती है। मुझे तो लगा था तुम कार कभी खरीदोगे ही नहीं, मुझे लगा वो भूसा वहाँ खड़ी है ना, उसकी एक बहन आएगी, फिर एक उसका भाई आएगा, फिर उसके 3-4 बच्चे आएंगे, तो कार तो आएगी नहीं। कार लिया तो थोड़ा मतलब हम लोग के बारे में भी सोचा होगा, आगे पीछे कहीं तो बैठेंगे। अरे मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ यार, बीवी लोग को प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा पागल नहीं हूँ। पहले मेरे को लगता था घर में अगर 4 बाइक खड़ी करने की जगह है तो 4 बाइक लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब मैं थोड़ा समझदार हो गया, अब मुझे लगता है नहीं, एक बाइक भी कितना चलाते यार, वीकेंड पे राइड्स में तो काफी है। आई लव सेलिंग, आई लव माई जॉब, दिस इज वॉट इज गिविंग मी ऑल द हैप्पीनेस। ऑफकोर्स हार्डवर्क करना पड़ता है, बट मर्चेंट नेवी में क्या ना, हार्डवर्क करने में भी मजा है। M-Sport लगाते दिया था मैंने, आज ये लेजर लाइट चेंज कर दी BMW, मेरे पास 4 ऑप्शन है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए अपनी पहली ड्राइव के लिए, जो कि है टू लोनावाला एज एक्सपेक्टेड, रोड भी अच्छे, गाड़ी को थोड़ा टेस्ट करते अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या बोलती है? सही लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना, थोड़ा सा चलाया इधर से शूट के लिए, उसमें तेरे को मजा आ गया। देखो कार की मेरे पॉकेट में ही है, इट कैन रिमेन इन द पॉकेट, देयर इज नो प्रॉब्लम, और यू कैन कीप दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ की हियर, जहाँ की ऐसे करके चार्ज भी होती रहेगी वायरलेसली। अभी हमने केबल वेबल नहीं रखा है ना, नहीं, वायरलेस चार्जर है अभी, या तो की चार्ज होगी या तुम्हारा मोबाइल चार्ज होगा, तो फिलहाल की चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है क्या? हाँ हो रही है, चार्ज का सिग्नल आ गया। अब ये हो गया, इंजन को स्टार्ट करो। मोबाइल सॉन्ग कैसे कनेक्ट होगा? कनेक्ट अभी फिलहाल मेरा कारप्ले में कनेक्टेड है, तेरा कर दूंगा मैं कनेक्ट। इट इज सो कंफर्टेबल, बेबू विल स्लीप ओनली, बेबू डोंट स्लीप, एंजॉय। चलो लोनावाला, क्यों नहीं चल रही गाड़ी? मैं कितना स्टूपिड हूँ ना, इसको भाई री पे डालोगे तब तो चलेगी ना गाड़ी। तुमसे अच्छा तो मैं चला रही थी। हाँ हाँ, अभी न्यू है, थोड़ा हम सीख रहे हैं भाई, सीख रहे हैं। Let's go. लोनावाला का हाईवे है, हम लोग रुके क्योंकि हमारा जो आगे सब कुछ जो सजाया था न्यू गाड़ी के लिए वो सब उड़ गया, पावरफुल मैंने तेज चलाया सब उड़ गया। अभी मैं हूँ किस में हूँ, मैं हूँ स्पोर्ट मोड में, और अब मैं इसको मैनुअल गियर में डाल दूंगा। ये डाल दिया मैंने इसको गियर में, S1 पे आ गया। अब पिकअप देखो, अरे रे रे, उड़ रही है। M4 S4 पता नहीं क्या है ये सब, MS आई थिंक वो पिकअप कुछ होगा बाद में। हाँ, तो आज पहली बार मैंने अपनी गाड़ी में लगाया, सिविक में हमारे पास कोई फास्ट टैग वगैरह नहीं था, तो इस गाड़ी में अभी फास्ट टैग लगा हुआ है, तो आज टेस्ट है, जाते हैं फास्ट टैग की लाइन में, पास होते नहीं होते।
मुझे पैसा नहीं देना, मुझे वॉलेट नहीं खोलना है भाई, हमारा फास्टैग खुद डिटेक्ट होना चाहिए। हो गया, बड़ा मजा आया, पैसा नहीं, वॉलेट नहीं, रोका नहीं, पर्ची नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा पार। 40 मिनट्स की इतनी प्यारी मक्खन ड्राइव यार, गाड़ी है, पैसे ऐसे ही नहीं लेते लोग, इतनी महंगी बनाते हैं तो है वो चीज देते, इतनी सारी चीजें इसमें। पहुंच चुके हम लोनावाला और हम करते हैं अब डिनर, काफी अच्छी जगह लग रही है, खाली है, कोई भी नहीं है, भीड़ नहीं है, मजा आएगा। बेबू सो गया, बेबू उठा क्या? उठ गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब करिए, स्टे फिट। जय हिंद। जय हिंद। क्या है, आप क्यों लेजी हो? आपके लिए भी तो अच्छा सा बीच में मैंने इतना मस्त कार सीट आपका सिक्योर कर दिया। बेबू प्लीज पीछे, हाँ ऐसे बैठे रहो, मेरा शॉट खराब है। अरे यार अब तुम हाफ कर रही हो, सीधा बैठे रहना प्लीज। रिकॉर्डिंग भी चालू कर देते हैं इसमें, मेरे को शूट करना तू, मैं चलाऊंगा। डायल पे फोन कैमरा लेके आना, डायल पे जितना थोड़ी देर रुकना, एक सेकंड, और पीछे आना, ठीक है।